आशा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जिस तरह आपके समाज घुमंता समाज, आपकी समस्या क्या क्या है? समस्या यही है हमारी, क्या हमें ये शौचालय बना जाए, टंकी लगी जाए हमारे घर पर, और हमारे को कोई ऐसी सुविधा दिखाओ तो हम भी आगे को बढ़ जाए। हम परेशान रहते, काम धंधा चल नहीं रहा अभी ऐसा हमारा। हाँ, कोई ऐसा हिसाब दिखाओ मैं क्या, तो कोई हमें अच्छी जगह दिवाओ, और ना तो हमारी ये पक्की जुटी होनी चाहिए। अच्छा, बस ये चाहते हैं हम। आशा जी, ये तो आपने सरकार से एक मांग आपकी मांगा है मांग। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप इतने दिनों, यानी इतने दिनों तो नहीं कह सकती, कई सालों से आप, कई सालों से, 50-60 साल हो गई हमें यहाँ रहते हैं, कोई भी कुछ नहीं करता हमारे लिए। आप भी वोट डालती हो? वोट देते हर साल, किसी से पूछ लो नेता से। और जब नेता आते हैं तब यहाँ पे नेता आते हैं जब बोलते हैं हमें कि हमें टंकी लगवा दो, हमारा शौचालय बनवा दो, हाँ हाँ बनवा देंगे बनवा देंगे, ऐसे बोल देते, कोई कुछ नहीं करता। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि नेता आते हैं, आपके वोटों से जीतते हैं, जीतते हैं, बाद में आपको नमस्कार करके भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। क्या आपको शिक्षा मिला हुआ है? आपके बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है सरकारी स्कूलों में? पढ़ाई तो हो जाती है। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई तो हो जाती है हमारे पे, ना भी प्रूफ होना जब भी बच्चे को पढ़ा तो लेते हैं, बैठा भी लेते हैं। अच्छा, मतलब प्रूफ नहीं होने के बावजूद भी आप बैठा लेते हैं मैं? अच्छा, वो स्कूलों की तो मैं नहीं है दिक्कत कोई, वो बुजुर्ग क्यों बोल रहे हैं, पर हमें ये दिक्कत ज़्यादा शौचालय की, टंकी की, अपने पक्की जगह झोंपड़े की, अपने कमाने खाने की, ये सुविधा होनी चाहिए हमें। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि शौचालय बनाए, मतलब वो कहते हैं कि शौचालय मतलब महिलाओं का अधिकार है, ये अधिकार है ये तो। तो ये अधिकार आपको यहाँ की जो सांसद है उन्होंने आपको ये अधिकार दिया हुआ नहीं है? नहीं दिया। तो आप लोग शौचालय, मतलब आज भारत देश में 75 साल देश को आजाद हुए हो गए, जहाँ महिलाओं को आज भी शौचालय की सुविधा नहीं है, नहीं है, नहीं है।